प्रिय बंधुओं, मैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आशु लिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान बिहार। मैं इंग्लिश के प्रथम वीडियो में आपको कंसोनेंट के विषय में जानकारियां दी हैं और अपने सेकंड वीडियो के माध्यम से आपको व्यंजन का जोग यानी कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक आज हम बताएंगे। जैसा कि किताब में आप देख सकेंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट चैप्टर में कॉन्सोनेंट को पढ़ा, इसी चैप्टर से संबंधित है ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का जोग के बाद ये चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भवेल आएगा। तो हम आज आपको ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक इस वीडियो में केवल वही बात बताएंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का जोग। पहले इसको जोड़ेंगे कैसे, तो देख लीजिए, कुछ डिफिनीशन के तौर पर हम लिख दे रहे हैं कि व्हेन टू और मोर स्ट्रोक ज्वाइंट द फर्स्ट स्ट्रोक इज रिटन इन इट्स ओन पोजिशन एंड द फॉलोइंग स्ट्रोक इज शिफ्टेड द प्रीसीडिंग शिफ्टेड नहीं यहां से कैंसिल कर दीजिए फॉलोइंग स्ट्रोक इज शिफ्टेड द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन। कहने का मतलब व्हेन टू और मोर स्ट्रोक्स ज्वाइंट, जब दो या दो से अधिक स्ट्रोक जुड़ेंगे, द फर्स्ट स्ट्रोक इज रिटन इन इन इट्स ओन पोजिशन, तो पहला स्ट्रोक अपने स्थान पर लिखा जाएगा। एंड द फॉलोइंग स्ट्रोक और बाद वाली जो स्ट्रोक है यानी कंसोनेंट इज शिफ्टेड द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट, मान प्रथम के अंतिम छोर से इन इट्स ओन डायरेक्शन अपनी निर्धारित दिशा में लिखा जाएगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये पी और जे दो स्ट्रोक है, हमको इसको जोड़ना है। तो हम P के लिए जानते हैं 120 के एंगल पर ऊपर से नीचे लिखा जाता है और J 60 डिग्री के एंगल पर ऊपर से नीचे होता है। तो नियम के अनुसार हमको पहला को पहले लाइन पर अपने पोजीशन पर लिखना है और बिना कलम उठाए विदाउट लिफ्टिंग द पेन P से J को हमको लिखना है अपनी दिशा में यानी 60 डिग्री के एंगल पर, अब ऊपर से नीचे लिखनी है आपको ऐसे। तो हमको यही बात याद रखना है कि कोई भी स्ट्रोक जब हम जोड़ेंगे तो उसमें कलम को उठाना नहीं है जब तक कि स्ट्रोक पूरा पूरा ना हो जाए, और सबको अपनी अपनी दिशा में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि एक और लिखिए, जैसे MRT, तो हमको लिखना है एम आर और टी, उसके अंतिम छोर से जैसे भी
सी एच, तो लिखेंगे वी सी एच। सी एच का एक ही सिंबल है इसके, एम के एल, एम के एल, तो लिखेंगे एम और यहीं से के, फिर यहीं से एल। और टी के एल, टी के एल, तो लिखेंगे टी के और एल। इस प्रकार से हम कोई भी स्टॉप को एक साथ जोड़ सकते हैं। एक मिनट, हाँ, इसको हम जोड़ सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे डब्ल्यू आर डी, तो हमको लिखना है, तो डब्ल्यू का स्ट्रोक लिखेंगे ऐसे, डब्ल्यू चूँकि उसी एंगल पर आर होता है तो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर वहीं से डी लिख देंगे। इस प्रकार से हम कोई भी स्ट्रोक हम जोड़ करके लिखेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक में बस इतना ही था, और इसी आधार पर इस प्रकार का जो भी स्ट्रोक बना है, जैसे एम एल डी, मान लीजिए एम एल डी, तो हम लिखेंगे एम एल डी। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रोक्स दिया गया है, जैसे एस एच एन जी, मान लीजिए कि एस एच और एन जी दिया हुआ, तो एस एच और एन जी के लिए गहरा कर देंगे। उसी प्रकार से और भी स्ट्रोक है, डी एम के, तो लिखेंगे डी एम के, तो डी एम और के, ठीक। तो ये सारी लाइट और डिप का ध्यान में रख करके आपको करना है। एन के एल, एन के एल, तो लिखेंगे एन के और एल, यानी प्रथम के अंतिम छोर से दूसरा स्टॉक जोड़ना है, दूसरा के अंतिम छोर से तीसरा। इस प्रकार से ये ज्वाइनिंग ऑफ ए स्टॉक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे वॉवेल। वॉवेल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, वो उसके उसको पढ़ाने के लिए ये सबसे ज़रूरी था, स्ट्रोक। और स्ट्रोक की पूर्व में जो बताई गई है आपको, उसकी दिशा सही रखिएगा, क्योंकि स्ट्रोक किधर से किधर लिखी जानी है, ज्वाइनिंग ऑफ ए स्ट्रोक में भी उसका प्रयोग है, ये आपको सबसे ज़रूरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे भविष्य के लिए हम तीसरा वीडियो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। Thanks.